नमस्कार आरजेडी रटिंग चैनल को आपने को स्वागत। रेलवे डिविजन व तृतीय रेल धारणा पई उच्छेद आरंभ। रायगढ़ ठरी रेलवे डिविजन कार्यालय स्थापन सहित तृतीय रेल धारणा व स्टेशन प्लाटफर्म संप्रसारण पई कार्य आरंभ होईची। एति पई रेल विभाग रा समस्त जमी खाली करूची रेलवे। रेलवे जमीरी गढ़ी उठिथिबा बस्ती गुड़ी को उच्छेद आरंभ होईची। एहि क्रम रे आज रेल स्टेशन निकट रे थिबा कोइलापड़ा बस्ती उच्छेद करा जाईची। एहि बस्ती थिबा 126 घर को भांगी उच्छेद करिसेंती रेलवे कर्तृपक्ष। एभोली कि एहि बस्ती थिबा समस्त उच्छेद परे पर्जे क्रमे अन्य बस्ती मध्य उच्छेद करा जेबो बोली सूचना देइसेंती रेलवे कर्तृपक्ष। तेबे रेलवे जमरी गडी उठिथिबा बस्ती मानकरे राज्य सरकारक पक्षरु अनेक बन्दोबस्त करा जाइथिला। एभोली कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फोटो रहिथिबा जागा मिशन फलक मध्य उपाडी देइथिले। जेसीबी मशीन द्वारा एहा उच्छेद करा जाइथिला। तेबे बस्ती थिबा लोके एहा को तीव्र विरोध करिछंती। सरकार कोनोसी थैथा न करी उच्छेद करा जाइथिबा कारणरु लोकंक मध्यरे असंतोष प्रकाश पाइछि। अच्छा माय सेल्फ संजीव दीक्षित असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ईस्ट कोस्ट रेलवे रायगढ़। एक्चुअली इसमें ये 126 जहां एनक्रोचमेंट है जो रेलवे लैंड में, इसमें हमारा स्टेट केस बुक हुआ था और स्टेट केस से भी जो डिसीजन आया है स्टेट ऑफिसर का वो इनके अगेंस्ट में आया है। उसके वो आके करीब करीब 2 महीना हो गया। हम लोग भी इनको रेगुलरली नोटिस दे रहे हैं, तो आज से हम लोग कुछ इवेक्शन प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग भी चाहते हैं कि पब्लिक का इनकन्वीनियंस ना हो, ये लोग चला जाएं। शायद स्टेट गवर्नमेंट भी मेरे को जहां तक पता है कुछ लैंड आइडेंटिफाई किया है इन लोगों के लिए, तो उसको ये बेटर हुआ कि आप लोगों के साइड से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को परसीव करके इन लोग को जो भी बेनिफिट मिल सकता है वो दिलाने का प्रयास करें। हैं रेलवे को ये लैंड अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे का बहुत सारा डेवलपमेंट डिवीजन हेडक्वार्टर के लिए ये सब लैंड का रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये लैंड को हम लोग निकालना है, क्योंकि उस प्रोसेस को हम लोग स्पीड अप कर सकते हैं। यहाँ पे रायगढ़ में एंटायर रायगढ़ 1093 स्टेट जो इंक्रोचमेंट्स है इसको हम वो 1x1 निकालेंगे। इस पार्ट में 126 है। अभी प्रपोजल में आज का डेट में आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सब अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन ये डेफिनेटली ये लैंड रेलवे का डेवलपमेंट एरिया में आएगा। तो आज क्या बनेगा, ऑफिस बनेंगे कि क्वार्टर बनेंगे कि कोई दूसरा चीज़ अभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आज का प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ये एज पर जो प्रोसीजर होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन लोग को रीअकोमोडेट करना चाहिए। हाँ, तो वो लोग सही तो इस दिशा में प्रयासरत हैं, वो लोग करेंगे।